हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है इम्पिटस गुरुकुल से आप लाइव क्लासेस से कैसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं वो बताना चाहूंगा। पूरा एक डिटेल ये सेशन है। आप में से जो लोग ऑलरेडी इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं वो लाइव क्लास से कैसे जुड़ेंगे वो बताना चाहूंगा। कई सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं पर अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इस सेशन में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। दूसरा, मैंने दिसंबर मंथ के एमसीए का प्लान बताया था, तो वो दिसंबर मंथ के एमसीए के प्लान में अब दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं रिसेंटली और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको किस ढंग से पढ़ाई करनी है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा कि अब तक केवल इम्पिटस गुरुकुल से बच्चे ऑनलाइन कोर्स के पेनड्राइव कोर्स से जुड़े हुए थे, अब पेनड्राइव कोर्स के साथ साथ आप लाइव क्लासेस से भी जुड़ेंगे, यानी जो क्लासेस भोपाल में होती हैं उन क्लासेस के साथ भी जुड़ेंगे। अब आपके पास अगर पेनड्राइव है और आप लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, कैसे समझिए, और इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे आपको वो भी बताता हूं और इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर वन चीज थिंक कि आप अभी ये पूरा सेशन जो है वो आप सब एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको 2020 में एग्जाम देना है, और क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं इसलिए भोपाल नहीं आ सके, तो आपने पेनड्राइव लिया हुआ था और जब आप पेनड्राइव से पढ़ रहे थे तो आपके पास पूरा कोर्स था जिससे आप पढ़ पा रहे थे और आपको वीकली टेस्ट भी मिलते थे। अब इसमें जो बच्चों ने जब यहां पर आके, क्योंकि हम लोग पेनड्राइव वाले बच्चों को एक एक वन वीक के लिए सेशन दिया, तो उन्होंने एक ही चीज बताई जो मुझे लगी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें हर दिन कितना पढ़ना है, दूसरा हमारे टारगेट सेट नहीं हो पाते, ऐसे कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम थी, सभी के साथ नहीं। देखिए क्या होता है, हर एक बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑनलाइन कोर्स के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ कमिटमेंट। क्लासरूम में एक क्लास का टाइम होता है, आप उस टाइम पे आते हैं और जब तक क्लास एंड नहीं होती आप जा नहीं सकते, पर ऑनलाइन कोर्स के साथ ये होता है कि आपको पता होता है, या पेनड्राइव कोर्स के साथ, पर फिर भी अगर आपने उसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आप उसका अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। तो उस अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन कोर्स से पेनड्राइव से चार चार आठ आठ घंटे पढ़ते थे, आपने ऐसे भी बच्चे देखे, लास्ट टाइम आप देखिए महिमा पांडे का वीडियो देखिए, इमरान का वीडियो देखिए, लक्ष्य का वीडियो देखिए, पंकज का वीडियो देखिए, इतने ढेरों बच्चे, और सबसे खास बात है कि ऑनलाइन वाले बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्म करके एनआईटी त्रिची सूरतकल कैलिकट, यानी क्लासरूम के बच्चों ने जैसा परफॉर्म किया वैसे ही ऑनलाइन ने किया। और इस बार इन्हीं सब चीजों को देखते हुए क्या क्या और चीजें ऐड हो सकती थी वो हम लोग कोशिश करते हैं और की भी आप लोगों के जो सजेशन मिले। तो अब मान लीजिए कि आप पर डे 2 आवर 3 आवर पढ़ाई करते हैं, पर कितना सिलेबस करना है कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप चाहें तो आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं, पर क्लास में भोपाल में जितना पढ़ाया जाता है वो आप देख पाते हैं। दूसरा, क्लास में जो जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी यहां पर डिस्कस होते हैं, वो टेस्ट भी आपको डिस्कशन के साथ मिलते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें की हैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि 6 जनवरी से हम लोगों का एक फास्टैग कोर्स स्टार्ट होगा और इसी के साथ साथ 2022 का भी 21 का भी एक बैच स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल बिल्कुल अलग होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने दिसंबर मंथ प्लान बताया था और जो न्यू स्टूडेंट थे, तो अभी भोपाल में जैसा चलता है वही यहां पर, कि एक है न्यू स्टूडेंट एक है ओल्ड स्टूडेंट। तो यहां पर जो बच्चा आता है वो न्यू स्टूडेंट के साथ, न्यू बैच के साथ भी पढ़ाई करता है और ओल्ड के साथ भी करता है, टू एंड से अपने सिलेबस को कवर करता है, जब भी कम टाइम में सिलेबस हो सकता है वही काम आपको करना है। अब ये जो क्लासेस होती हैं ये आपके साथ भी शेयर की जाएंगी, तो अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप इन टॉपिक को, क्योंकि ये आपको पूरा वीकली टाइम टेबल पता रहेगा और टाइमिंग क्लास का भी पता रहेगा, तो आपको इस टॉपिक को अगर आप पेन ड्राइव से पहले से पढ़ लेते हैं तो लाइव क्लास में परफॉर्मेंस आपकी 100% श्योर हूं मैं कि 2 टाइम 3 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा। दूसरा, जिस ढंग से जैसे मैंने बच्चे को क्वेश्चन दिया और यहां पर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 मिनट लेते हैं, तो वो आपको भी टाइम मिल रहा होगा। बच्चे यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, इवन आप भी पूछ सकते हैं, 1-to-1 उसमें चैट रहती है, तो जब आप कोई क्वेश्चन भेजते हैं या कुछ डिस्कशन होता है तो वो आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे क्लास में डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है, डीपीटी होता है, वो टेस्ट आपको भी मिलेगा और उस टेस्ट का डिस्कशन, क्लास स्टार्ट डीपीटी के डिस्कशन से होती है, उसका डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। उसमें कोई डाउट है आपको केवल नंबर लिख देना 6, 10, और वो मैं देख लेता हूं तो मैं आपको वो बता पाता हूं। यहां पर भी बच्चे पूछते हैं और मैंने एक चीज देखी, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे क्लासरूम में, डाउट लगभग कॉमन होते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो आप जब वो क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको अभी बताता हूं,
अब आपको करना क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए जो करना है वो चीज ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, आपको दो काम में से एक काम करना होगा, और न्यू स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूं, ये सेशन न्यू के लिए भी है, ओल्ड के लिए भी है। जो अभी नए बच्चे जुड़ेंगे वो क्या करेंगे, और जो ओल्ड है उनको भी करना एक ही प्रोसेस है। नंबर वन, www.impetusgurukul.com पे जाना है आपको, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपने पेन ड्राइव ली थी, वहां पर एक टॉप में लाइव लिखा है, उसको क्लिक करें, या अगर आप मोबाइल पे देखते हैं तो एंड्रॉइड मोबाइल पे जाके इम्पीटस गुरुकुल का ऐप सर्च करें, इम्पीटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप जो है, याद रखिएगा इम्पीटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें, या फिर डायरेक्टली आप live.impetusgurukul.com पे जा सकते हैं, राइट live.impetusgurukul.com पे जा सकते हैं। फिर जैसे ही वहां जाएंगे या यहां से लाइव पे जाएंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, फिर कोर्स लिस्ट दिखेगी आपको, वहां पर कोर्स लिस्ट को जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको IIT, NEET, AIMC, तो आपको अपने रिलेटेड, जैसे आप MCA के स्टूडेंट हैं तो आपने AIMC दबाया, जैसे ही दबाएंगे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको शेड्यूल दिख रहा होगा। जैसे मंडे को दो क्लासेज हैं, 11 o'clock पे क्लास जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल की है, और 4:30 पे जो क्लास है वो बाइनोमियल थ्योरम की, यानी ये जो क्लास है वो नए स्टूडेंट के लिए, ये क्लास जो है वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो कई सारे नए वाले बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अभी हम, क्योंकि अभी हमने एलजेब्रा स्टार्ट किया तो हम ये इंडेफिनेट अभी कर नहीं पाएंगे, तो मैंने उनको यही बोला कि ये जरूरी नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे आप केवल नए वाले बैच को फॉलो करें, दोनों कर सकते हैं तो दोनों को फॉलो करें। वैसे भी ये क्लास एक बार जब रिकॉर्ड यहां पे हो गई तो आप इसे बाद में देख पाएंगे, या नए बैच में जब इंडेफिनेट होगा जब देख पाएंगे। तो कोई भी बैच को जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो जो जो उसमें सिलेबस हो रहा होगा वो आपको सारा मिलता जाएगा, राइट। अब इस क्लास के साथ जैसे मैं मान लीजिए टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इसी वीडियो लिंक के देखेंगे नीचे तो आपको यहां पर टेस्ट पेपर भी दिखेगा DPT, उसको आप वहां से सॉल्व करके रखें, जिससे कि जब मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप उसके उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो पूछ सकते हैं, यानी ये भी एक फैसिलिटी है। और जैसा क्लास में होता है कि हम क्या करते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को यहां पर टेस्ट देते हैं, और आधे घंटे वो टेस्ट देते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, और फिर नेक्स्ट डे उसका क्लास स्टार्टिंग में डिस्कशन होता है, वही चीज यहां होगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको जो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होना है वो टेस्ट दिखेगा, उसको आप सॉल्व करिए और नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन होगा। ऐसे ही अभी क्योंकि लाइव टेस्टिंग्स वगैरह चल रही थी इसलिए पूरे पेपर नहीं हो पाए, ऐसे ही जो संडे टेस्ट होगा, सैटरडे टेस्ट होगा, उन पेपर का भी यहां डिस्कशन होगा। तो नॉर्मली मॉर्निंग वाले टाइम में पहले, जैसे हो सकता है इसका टाइम कभी 10:30 भी शिफ्ट हो जाए 11:30, वो आपको पूरा प्लान दिखेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना रहेगा। जैसे आप यहां पर एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे, जैसे ही आपने यहां पर रजिस्टर्ड कर लिया तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड होगा, उस पर आपको दिखेगा पूरा वीक का शेड्यूल। अगर हमने मान लीजिए मंडे ट्यूसडे का डाला तो वो भी दिखेगा, वैसे हम लोग अब आने वाले दिनों में पूरे वीक का एक शेड्यूल रहेगा तो आपको वो दिख रहा होगा। उसके साथ आपको हो सकता है शीट भी दिख रही हूं पर वो लॉक हो सकती है, वो जब ओपन होंगी जब उस क्लास के साथ। तो इस तरह से जिस मॉड्यूल को हम क्लास में फॉलो कर रहे हैं उस मॉड्यूल का बेनिफिट आप घर रह के भी कर सकते हैं, अगर आप भोपाल मूव नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट भोपाल भी आने वाले, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आएंगे वो भी इसी मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। तो अब इस तरह से यहां पर आपको जुड़ना है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को तो सीधा यहां पर जाके वहां पर दिख रहा होगा कोर्स लिस्ट में, वहां जाके जैसे ही आप उसको बाय करेंगे आप जुड़ जाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या होगा, उनको वो अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लें, और यहां पर आपको एक मेल करना होगा, मेल करना होगा जो ऑफिशियल मेल एड्रेस आपके पास है उसमें आपको अपना आईडी नंबर के साथ मेल करना होगा, और आप उसको भी कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। यानी अब आपके साथ ये एक बोनस होगा और इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कितना इजीली बिल्कुल वैसे ही मॉड्यूल आप घर पर रह के फॉलो कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करता हूं तो एक चीज बिल्कुल समझ में आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है। आपको मंडे टू सैटरडे बिल्कुल वही डिसिप्लिन फॉलो करें जैसा कि यहां पर एकेडमी में चलता है, संडे बिल्कुल उसी टाइम पे टेस्ट दें। इवन जनवरी में जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी आपकी ऑनलाइन होगी, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट भी मिलेगा और आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में देना होगा। यानी अभी बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐड होने वाली है, तो आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। एक बार जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जो जो क्लासेस हैं वो आती जाएगी। अभी नेक्स्ट वीक का मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बता देता हूं कि मॉर्निंग 11 o'clock पर
जो क्लास होगी वो इंडेफिनेट इंटीग्रल की होगी, और इसके साथ साथ जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट है वो प्लस संडे टेस्ट, वो सारे डिस्कशन होंगे। इन पेपर्स को आप सॉल्व करके रखें और साथ में लेके भी बैठें। और मैं नॉर्मली यहां पर भी क्लास में बताता हूं, वही चीज आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है वो सारी चीजें बताता हूं, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप उन पेपर्स के साथ अपने बैठेंगे। और इवनिंग में 4:30 पे बाइनोमियल थ्योरम की क्लास होगी, राइट। इसकी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन, इसलिए इस दिन कोई टेस्ट नहीं होगा, ट्यूजडे को फिर इसमें टेस्ट होगा। तो वो सारी चीजें ये मैंने आपको बता दी। अब ये मॉड्यूल को आपको फॉलो करना है, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अपनी पढ़ाई करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, और कोशिश करिए कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अभी भी 6 मंथ है और 6 मंथ में भी बहुत बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट 6 मंथ में ऑब्वियसली आपको उतनी मेहनत करनी जितनी मेहनत एक बच्चा साल भर में करता है, यानी आपको लगभग अपना स्टडी टाइम डबल करना है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि आपको इतना बताना है, अभी कई बार कंफ्यूज होते हैं। नंबर वन, कि आपको impetusgurukul.com पे जाना है लाइव पर, या ऐप को मोबाइल पे डाउनलोड करना है एक चीज, या live.impetusgurukul.com पे जाना है, वहां कोर्स लिस्ट पे जाएंगे जिस कोर्स से रिलेटेड है। अभी आपको ये एमसी वाला सेशन है इसलिए एमसी के लिए बता रहा हूं। एमसी पे जाएंगे तो वहां आपको वीकली क्लासेस जो जो आने वाली अपकमिंग क्लासेस वो दिखेंगी, पर वो ओपन जब भी होंगी जिस टाइम के लिए दिया है। बाई चांस अगर आप लाइव क्लास को उस टाइम पे नहीं देख सकते जिस क्लास जिस टाइम पे दिया है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और इन क्लासेस में आपको उतना ही टाइम मिलेगा, क्योंकि ये लाइव क्लास होती है, जितना टाइम बच्चे यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग में रहते हैं उतना ही टाइम आपको मिलेगा। और एक चीज और बोलूंगा, आप लोग कुछ लाइव क्लास ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, इंडेफिनेट की या क्वाड्रेटिक की या प्रोग्रेशन की, मेरा एक बेसिक नेचर है, और क्लास में आपने देखा भी होगा कि मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाता हूं तो पहले पूरा एक बेसिक फाउंडेशन कवर करता हूं, उसके बाद ही टेस्ट पेपर के थ्रू डाउट कवर करता हूं, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उसी पे लगता हूं। तो आप लोग कई बार बीच में मैसेज भी करते हैं मुझे, तो उन मैसेज के इसलिए कई बार इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पूरा अपना फोकस पढ़ाने पर रखता हूं। और वही आपको भी बोलूंगा कि आप भी अपना पढ़ने पर लगें, मुझे पता है कि आपके क्या क्या डाउट आ सकते हैं, और आप देखते होंगे कि जो आपके दिमाग में आ रहा है वो अगली बार अगले क्वेश्चन में या अगली चीज में वही बोलने वाला होता हूं। तो आप वेट करके ध्यान से सुनिए, वो सारी चीजें कवर होती जाएंगी। और कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट किया है तो डे वन से लेकर जब तक वो उसका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता, अब जैसे देखिए ओल्ड बैच में इंडेफिनेट पढ़ाया जा रहा है तो ये 15 दिन चलेगा, पर जब न्यू बैच में पढ़ाया जाएगा तो टाइम कम होगा, क्योंकि हमारे को एग्जाम अभी देना है। और ये पूरा सेशन अभी 2020 के लिए, वैसे 2021 के लिए होगा, पर उनके कोई भी टॉपिक, जैसे इस बैच में ओल्ड बैच में बाइनोमियल थ्योरम लगभग 2 से 3 क्लास में कवर होगा, पर नए बैच जो 2021 का है उनको करीब करीब ये 7 से 8 क्लास में कवर किया जाएगा, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं और 6 दिन की क्लास या 5 दिन की क्लास को 2 और 3 क्लासेस में कवर करें, जब भी टाइमली सिलेबस हो सकता है। दूसरी बात, इस क्लास में आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल, इन सब की लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसका बेनिफिट लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपके पास मेल एड्रेस दिया हुआ है, या फोन करके बात कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।